हाय, तो आज हमारी सवारी निकली है द्वारकाधीश के लिए। और द्वारकाधीश में दर्शन करने के बाद जब हमें ज़ोरों की भूख लगती है, तो उसके बाद हम क्या खाएं और कहाँ खाएं, तो इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बढ़िया सा प्लेस सजेस्ट करने वाले हैं, जहाँ पे आप दर्शन करने के बाद आराम से बैठ के अपने फैमिली और दोस्तों के साथ खाना इंजॉय कर सकते हो। तो ये रहा एक छोटा सा क्यूट सा रेस्टोरेंट, कैफ़े या उसको जो भी आप बोलो, माधव डाइनिंग हॉल। यहाँ द्वारकाधीश में अब अगर आप आओगे तो आपको सारे जो ये प्लेसेस के नाम है वो कृष्ण भगवान के नाम से मिलता जुलता सा मिलेगा। तो यहाँ पे आप बहुत ही कम दामों में, बहुत ज़्यादा रीजनेबल रेट्स में यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो और सारे गुजराती स्नैक्स इंजॉय कर सकते हो। अंदर आपको चारों तरफ दीवारों पे मेन्यू लगे हुए मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप आराम से अपने मनपसंद खाने को चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको अंदर काउंटर से उसका टोकन लेना है एंड देन बाहर से आप उसको रिसीव कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे सारे वैरायटीज़ लिए हैं, थोड़े इडली, थोड़ी जलेबियाँ, कचौरी, पकौड़े, भजिया स्पेशली गुजरात में बोलते हैं, ढोकला, छाछ, पोहा, सब कुछ ही हम लोगों ने खा लिया है। वैरायटीज़ जब जहाँ पे हो तो वहाँ पे तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ का स्वाद, यहाँ का रेट्स और यहाँ का सर्विस सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास था। तो आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ द्वारकाधीश आइए, और अगर द्वारकाधीश आइए तो दर्शन के बाद आप इस प्लेस को कंसिडर बिल्कुल कर सकते हैं। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय।